हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एम्बिसन SL टैबलेट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और जानेंगे कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन से अलग अलग वार्निंग्स रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, फिर प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। साथ ही जानेंगे कि ये टैबलेट के पीछे जो SL लिखा हुआ है तो SL का मतलब क्या होता है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं एम्बिसन SL टैबलेट्स के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। अब फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर आपको ये वाला कोर्स भी मिल जाएगा कि डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड, कि जिसके अंदर आप अलग अलग डिसीजेज एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में जान पाएंगे। सभी मेडिसिन रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे और उनके PDF एंड PPT फाइल भी वहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स, और जानिए सभी मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में और उनकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करिए ऐप फार्मर ऑक्स। तो अब समझते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द एम्बिसन SL टैबलेट्स के बारे में। तो ये टैबलेट्स जो है वो ऐसे मेडिकेशंस कहे जाएंगे कि जो विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं, कि जो अलग अलग क्लास के जो मेडिकेशंस होते हैं उसके अंदर ये विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहे जाएंगे। बिकॉज उसके अंदर जो ये कंपोजिशन हम देखें तो वो है मैकोबालामिन है, कि जो 1500 माइक्रोग्राम की क्वान्टिटी के अंदर अवेलेबल है ये टैबलेट के अंदर। तो उसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जाने तो यूनिसन फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करता है, कि जो इंडियन फार्मा कंपनी है, कि जिसका हेडक्वार्टर्स हम देखें तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो एम्बिसन SL जो है उसका ब्रांड नेम है, कि ये जो टैबलेट है उसका जो ब्रांड नेम हम देखें तो वो है एम्बिसन SL। बट उसके अंदर जो मेन कंटेंट हम देखें तो उसके अंदर मेन मेडिसिन कौन सी है तो वो है मैकोबालामिन जो है, कि जिसको हम विटामिन B12 भी कहते हैं, B12 या फिर मिथाइल कोबालामिन भी उसको कहा जाता है। तो उसी के कारण हम ये जो टैबलेट है उसको विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। बिकॉज मैकोबालामिन जो है उसको विटामिन B12 कहा जाता है या फिर मिथाइल कोबालामिन। सो ये मेडिकेशंस जो है वो यूजली यूज़ की जाती है, खासकर B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, कि विटामिन B12 की किसी को डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट्स जो है वो यूजली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो उसका बेसिक यूज़ खासकर एक ही है, वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। बट B12 की डेफिशिएंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो जुड़े हुए हैं वो हम जानेंगे आगे। बिकॉज सिर्फ एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि SL का मतलब क्या है। तो SL का मतलब होता है सबलिंगुअल, S फॉर सब है और L फॉर लिंगुअल। तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन हम कह सकते हैं या फिर ऐसा टैबलेट कह सकते हैं कि जिसको आपको खासकर आपकी जीभ के नीचे रखना है, और तब तक रखना है कि जब तक ये टैबलेट जो है वो पूरी तरह से घुल ना जाए, कि अच्छे से वहाँ पर डिजोल्व होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये जो टैबलेट यहाँ पे आप, ये हो गई आपकी जीभ, और जीभ के नीचे के भाग में यहाँ पे जो है वो टैबलेट को आपको सही से रखनी होती है, और तब तक रखनी होती है कि जब तक वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो जाए। बिकॉज यहाँ पे आप देखो जो पैकिंग है उसके ऊपर भी डायरेक्शंस जो है वो लिखी हुई है यूजेस के लिए। बिकॉज ये टैबलेट जो है वो स्वेलो नहीं करनी होती है, उसको आपको आपके जीभ के नीचे रखनी होती है, इसीलिए इसके पीछे लिखा हुआ है ये SL टैबलेट। कि एम्बिसन उसका ब्रांड नेम हुआ, पर पीछे जो SL लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सबलिंगुअल,
मतलब कि ये जो टैबलेट है वो पेशेंट अपनी जीभ के नीचे रखते हैं और तब तक रखनी है तब कि वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो जाए। और जीभ के नीचे रखने के बाद यूजुअली 15 से 30 मिनट के अंदर ये सब लिंगुअल टैबलेट्स जो है वो खासकर वहाँ पे ही डिजोल्व हो जाते हैं और अपनी जो मेडिसिन है वो भी यही एरिया में रिलीज करते हैं और सबलिंगुअली ही उनका जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वहीं से आपको ये मेडिकेशंस की इफ़ेक्ट मिलना शुरू होती है। तो खास एक ही ध्यान ये रखना है कि ये टैबलेट जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसको कभी भी स्वेलो ना करें, उसको आपकी जीभ के नीचे ही रखना है और उसी तरह से उसकी प्रॉपर एक्शन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप उसका हम कंटेनर देखते हैं कि जो पैकिंग है एम्बिसन एसएल, यहाँ पे ऊपर लिखा है कि सबलिंगुअल खास इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और मेकोबालामाइन 1500 माइक्रोग्राम के ये टैबलेट, बिकॉज कि ये मेडिकेशंस के अंदर जो विटामिन B12 है तो उसका अमाउंट यहाँ पे 1500 माइक्रोग्राम के अंदर ऐड किया हुआ है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ भी अच्छे से लिखा हुआ है कि जीभ के नीचे तब तक रखे जब तक कि टैबलेट पूर्णतः घुल ना जाए, कीप अंडर द टंग अंटिल द टैबलेट कम्प्लीटली डिजॉल्व। तो ये डायरेक्शन को फॉलो करके ही आपको ये मेडिकेशंस को यूज़ करनी है। फिर उसके पीछे की ओर देखें रैपर के अंदर तो लिखा हुआ कि ईच अनकोटेड टैबलेट, और वो भी सबलिंगुअल टैबलेट है कि जो मेकोबालामाइन है उसके अंदर एज पर IP के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू वो रहेगा 1500 माइक्रोग्राम और बाकी के टैबलेट बनाने के लिए जो एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। फिर खास उसके स्टोरेज कंडीशंस की भी आपको ध्यान रखने की, उसको स्टोर करना है एट टेम्परेचर नॉट एग्जिस 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 30 डिग्री से नीचे रखना है एंड प्रोटेक्ट करना है आपको लाइट एंड मॉइस्चर से। ये खास ध्यान रखना कि आप घर पे भी आप समझो कि ये टैबलेट परचेस करके लाते हैं तो उस तरह से उसको स्टोर करके रखें कि उसके ऊपर कोई लाइट ना आए, कोई मॉइस्चर ना लगे उसको, मतलब कि प्रॉपर ड्राई एनवायरमेंट के अंदर आपको ये टैबलेट्स को अच्छे से रखनी होगी। फिर बच्चों से खास दूर रखने की सलाह होती है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। फिर ये यूनिसन का लोगो और फार्मास्यूटिकल कंपनी के जिसका हेड क्वार्टर्स जो है वो है अहमदाबाद के अंदर। फिर यहाँ पे सबलिंगुअल यूज़ के बारे में भी डायरेक्शन लिखा है कि फॉर इमीडिएट एक्शन टैबलेट शुड बी टेकन सबलिंगुअल, कि जब आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए ये टैबलेट्स की तो आपको उसको जीभ के नीचे ही रखनी है एंड प्रॉपर विटामिन जो है उसके अंदर ऐड किए हुए हैं कि जिससे आपको जो है वो प्रॉपर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलती है। तो कंटेनर के अंदर आपको 10 टैबलेट्स जो है वो दी जाती है कि जिसकी प्राइस वगैरह जो है वो हम आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एम्बिसन एसएल टैबलेट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट है विटामिन B12, तो उसका हम रोल समझते हैं अच्छे से कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये टैबलेट का इम्पोर्टेंस कितना है। तो B12 जो है उसका रोल हम देखें तो वो हेल्प करता है हमारे ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का कि जो होता है हमारे शरीर के बोन मैरो के अंदर, और ये बोन मैरो हमारे बोन्स के अंदर आया होता है। कि यहाँ पे आप देखो ये है हमारा ये बोन और ये बोन के अंदर आया हुआ ये बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर जो है ये हमारे ब्लड सेल के, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, प्लेटलेट्स हो या फिर हमारे वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे लिखा है कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल आर ऑल प्रोड्यूस इन बोन मैरो, कि सभी हमारे ब्लड सेल का प्रोडक्शन ये बोन मैरो के अंदर ही होता है। तो जब इनका ये प्रोडक्शन करना होता है, हमारी बॉडी जब इनका प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है ये विटामिन B12 की। तो यहाँ पे अब आप समझिए कि समझो कि आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर मात्रा में B12 आपके शरीर के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी कमी है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो उनके रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आपको होंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जो हमारे जो न्यूरॉन सेल्स है या फिर हमारी न्यूरॉन्स कहते हैं हम, नर्व कहते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी की नर्वस सिस्टम है कि जिसको हम चेतातंत्र भी कहते हैं हिंदी के अंदर, तो उसके हेल्दी फंक्शन के लिए भी B12 विटामिन का होना जरूरी है। बिकॉज ये B12 विटामिन जो है हमारी जो न्यूरॉन्स होती है उसके हेल्दीनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर
जो हमारा जीनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके प्रोडक्शन में भी विटामिन B12 जो है वो हेल्प करता है, और B12 जो है वो प्रिवेंट करता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये खास समझिए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो कंडीशन होती है, कि ऐसी कंडीशंस के अंदर जो पर्सन्स को ऐसा फील होता है कि काफ़ी थकान और वीकनेस जो है वो फील करता है पेशेंट, कि जो एक ब्लड कंडीशंस की कि आपकी बॉडी के अंदर RBC जो है वो कम हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए भी B12 का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब समझते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं B12 की डेफिशिएंसी से, कि अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी है विटामिन, तो कौन से प्रॉब्लम होंगे। तो सबसे पहले एक पर्निशियस एनीमिया होगा, ऐसा एनीमिया कि जिसके अंदर आपके RBC और HB दोनों जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, कि हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं खून की कमी होना। फिर दूसरे कुछ उसके रिलेटेड, कि समझो कि आपके अंदर ये एनेमिक कंडीशन है, तो वो एनेमिक कंडीशन आगे जाके अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज जैसी बीमारी कुछ लोगों को होती है B12 की डेफिशिएंसी से, फिर कुछ लोगों को डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि आपको भूख ना लगना, अच्छा खाना सामने होने के बावजूद भी आपको भूख ना लगे, बॉडी के अंदर आपके गैस प्रोड्यूस हो सकता है, फिर न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बिकॉज हमने जाना कि न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए B12 का होना जरूरी है। अब B12 की कमी है तो न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको नंबनेस फील होगा और टिंगलिंग जैसा फील होगा, कि प्रॉपर सेंसेशंस अच्छे से ना हो, या फिर टिंगलिंग जैसा आपको फील है, मसल्स आपके वीक हो रहे हैं ऐसा आपको फील होगा, चलने में प्रॉब्लम होगा, वॉकिंग प्रॉब्लम, और कुछ लोगों को विजन लॉस जैसे भी डेंजरस कंडीशन होते हैं, बिकॉज जो आँखों की रोशनी के लिए जो जरूरी है वो है ऑप्टिक नर्व। आप यहाँ पे खास समझिए कि विजन लॉस इसलिए बिकॉज आँखों की जो रोशनी है और उसके लिए जरूरी है एक नर्व की हेल्दी फंक्शन, दैट इज ऑप्टिक नर्व। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व अच्छे से काम करती है तो आपको जो है वो आपकी विजन जो है वो अच्छी रहेगी। बट समझो कि B12 की आपकी बॉडी के अंदर कमी रहती है, तो हमें जो आँखों की रोशनी देने वाली जो ऑप्टिक नर्व होती है, कि जो जो भी हम देखते हैं उसके जो इम्पल्सिस ब्रेन तक लेने लेकर जाने वाली जो न्यूरॉन है वो है ऑप्टिक नर्व। तो B12 की कमी होगी तो डायरेक्टली असर होगा ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर, और ऑप्टिक नर्व समझे कि डैमेज होगी तो आपकी विजन जो है वो काफ़ी बिगड़ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मेडिकेशंस जरूर से रेगुलर लेना चाहिए, कि जिनको विजन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको खास ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कि जिससे उनके न्यूरॉन्स जो है वो हेल्दी रहें। फिर मेंटल रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, मेमोरी लॉस जैसा फील होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं कि B12 की कमी है। तो फिर इसका हम सॉल्यूशन देखें, कि समझो कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, कि आप जो है ये MBCNSL के टैबलेट्स लेना जो है वो स्टार्ट कर दे सकते हैं, कि जिससे ये कंडीशंस है ऑलरेडी तो ट्रीट हो जाएगी, और समझो कि ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी विजन ऑलरेडी वीक है और न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, RBC या फिर HB कम है ऑलरेडी, तो और ज़्यादा कंडीशंस ना बिगड़े तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीट और क्योर करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेडिकेशंस के साथ साथ हम जाने तो फूड सोर्सेज को भी समझना जरूरी है, कि B12 के फूड सोर्सेज क्या है। तो आप समझो कि इसमें से प्रॉपर कोई फूड सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो B12 की कमी नहीं होगी, बट समझो कि आपके डाइट के अंदर ये फूड सोर्स नहीं है, कि जैसे कि मीट एंड फिश, समझो कि आप वेजिटेरियन है और मीट एंड फिश यूज़ नहीं करते, तो उससे B12 की कमी आपके अंदर हो सकती है, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो B12 नहीं बना सकता, वो हम जो एक्सटर्नल फूड्स लेते हैं उससे हमें ये B12 मिलता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ऑप्शंस रह जाता है ये मिल्क एंड चीज़ का, कि जो वेजिटेबल्स है, साथों साथ आलमंड्स का भी आपके लिए ऑप्शंस बनता है, कि जो वेजिटेरियन पीपल है वो आलमंड है वो खा सकते हैं B12 की कमी को पूरा करने के लिए, कि जिसको बादाम कहते हैं हम, फिर आप मिल्क ले सकते हैं, या फिर मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ वगैरह है वो भी आप खा सकते हैं, कि जिससे
B12 उसमें से आपको मिले। फिर जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए, उनके लिए दूसरे ऑप्शंस रहते कि मीट एंड फिश तो है ही, साथ साथ एग में से भी आपको मिलता है चिकन, और जो फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट होते हैं सीरियल्स वगैरह तो उसमें से भी आपको B12 जो है वो मिल जाता है। तो ये हो गए अलग अलग सोर्सेज। तो अब समझते हैं ये मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन दोनों के अंदर ये टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो पहला कंडीशन वो है B12 की डेफिशिएंसी, कि समझो कि किसी के अंदर B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट भी करेगा और प्रिवेंशन करवाएगा एम्बिसन SL टैबलेट। फिर डायबिटीज है और उसके अंदर न्यूरॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं कि जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस की जिसके अंदर आपके जो न्यूरॉन्स है वो काफ़ी अनहेल्दी होते जा रहे हैं, कि जैसे आप यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं ये डायग्राम के अंदर, तो कंडीशंस क्या हो गए कि ये हो गई आपकी अनहेल्दी न्यूरॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते कि मैं थोड़ा ये डायग्राम ऐसा हो तो जूम करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, कि यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो आप देख सकते हैं हेल्दी न्यूरॉन सेल है और ये वाला जो है वो अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स के ऊपर एक जो इंसुलेटेड लेयर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। तो अगर समझो कि आपको ये जो प्रॉब्लम जो है वो हो रहे हैं तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो आपको ये मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके अंदर भी ये कॉम्प्लिकेशंस देखा जाता है, और साथ साथ डायबिटीज़ नहीं है फिर भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, कि जिसके अंदर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी जो अलग अलग न्यूरॉन्स है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है, कि इस तरह से आपका जो हेल्दी नर्व सेल होता है वो डैमेज होके अनहेल्दी हो जाता है, कि जिससे ये सब प्रॉब्लम होते हैं। बिकॉज हमने जाना कि B12 का प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है हमारी न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए। अब B12 की कमी है तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो गए। तो अगर डायबिटीज़ के अंदर ये न्यूरोपैथी होती है या फिर बिना डायबिटीज़ भी ये न्यूरोपैथी होती है तो उस वक्त ऐसे पेशेंट्स को ये MBSN SL के जो टैबलेट्स है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनेमिया है कि ये वाला नॉर्मल एनेमिया, और मेगालोब्लास्टिक एनेमिया के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी साइज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, कि नॉर्मल आप साइज़ को कंपैरिजन करो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो RBC है उसकी साइज और मेगालोब्लास्टिक एनेमिया के RBC की साइज़, इवन ये दूसरे ब्लड सेल के भी आप साइज़ देखो तो साइज़ क्या होती है इंक्रीज होती है, डिक्रीज तो होते ही है उनकी अमाउंट बट साथों साथ उनकी साइज़ भी बढ़ती है, तो उस टाइप का एनेमिया मेगालोब्लास्टिक एनेमिया कहा जाता है। तो उसके इलाज में भी ये टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। फिर जिनके बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनेमिया नहीं है बट नॉर्मल एनेमिक कंडीशन है, कि आपके बॉडी के अंदर खून की कमी है, RBC कम है, HB कम है आपका, तो वो पेशेंट्स भी ये ले सकते हैं। कि नॉर्मली जो हम कहते हैं कि 12 जो है वो आइडियल माना जाता है HB, बट 12 से भी आपका कम है, 10 जितना HB है, 8 जितना HB है, तो ऐसे लोग जो है वो रेगुलरली ये टैबलेट खा सकते हैं कि जब तक उनका HB लेवल जो है वो नॉर्मल ना हो। और छठा इंडिकेशन हम उसका देखें बेसिक यूज़, तो वो है नर्व इम्पेयरमेंट्स के अंदर, कि जिनके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो वो लोग भी ये टैबलेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको भी ये टैबलेट्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। आगे समझिए उसके बेनिफिट्स। तो ये टैबलेट्स लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहले आपका जो बॉडी फटीग, कि आपको जो थकान महसूस होती है, वीकनेस फील होती है, वो सबसे पहले ट्रीट हो जाएगी। किस तरह से आप देखो कि आप कुछ भी काम करो या फिर काम ना करो फिर भी आप थक जाते हैं, फटीग जैसा फील होता है, थकान फील होती है, काफ़ी वीकनेस फील होता है, तो वो ट्रीट हो जाएगा ये टैबलेट्स को रेगुलर लेने से। फिर आपका जो ब्लड सेल है उनको बनाने में ये टैबलेट हेल्प करेगी, इट विल हेल्प टू मेक द ब्लड सेल्स। तीसरा हम देखें तो हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव ए लोअर ब्लड काउंट, कि जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि टोटल काउंट या फिर CBC करवाते हैं, आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं और उसमें रिपोर्ट में ऐसा था कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड सेल कम है, कि चाहे RBC कम है, WBC कम है या फिर
प्लेटलेट्स कम है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो बोन मैरो है वो सफिशियंट अमाउंट के अंदर ये ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और उसका रीज़न बनता है B12 की डेफिशिएंसी। तो ये B12 के एम्बिसन SL के टैबलेट लेने से और ये सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है जिनके अंदर लो RBC है, लो HB है, ब्लड काउंट कम है। फिर आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी होगी, कि आपके न्यूरॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, कि चाहे वो विज़न रिलेटेड हो या फिर दूसरे भी सेंसेशंस रिलेटेड जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सभी हेल्दी रहेगी, मतलब कि पूरा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा, इम्प्रूव करेगा आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को, कि जो B12 की डेफिशिएंसी से बॉडी के जो फंक्शंस कई बार जो अच्छे से काम नहीं करते तो वो इम्प्रूव कर देगा ये, और साथों साथ जो न्यूरॉन्स रिलेटेड डिसऑर्डर से उनको प्रिवेंट भी करवाएगा और ट्रीट करेगा। तो ये सभी बेनिफिट्स मिलते हैं हमें एम्बिसन SL टैबलेट्स लेने के बाद। अब समझना जरूरी कि उसका डेली डोज क्या है। तो रिकमेंडेड जो डोज हम कहें तो वो है सिर्फ एक टैबलेट, कि डेली जो है वो आपको एक ही टैबलेट लेनी है, और ख़ासकर खाना खाने के बाद जो है आप उसको ले सकते हैं, कि जो भी आपकी डेफिशिएंसीज है उसको पूरा करने के लिए दिन में एक ही टैबलेट इनफ रहता है, और ये जो है वो आप खाने के साथ ले सकते हैं विथ मील और आफ्टर मील, बट कभी भी बिफोर मील ना ले, खाना खाने से पहले कभी भी ये यूज़ ना करें, खाना खाने के बाद या फिर खाना खाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि आफ्टर मील लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आपको ये आपकी जीभ के नीचे रखना है, कि जैसे यहाँ पे और ड्रॉ भी करके दिखा हुआ है और ये डायरेक्शंस भी है कि जीभ के नीचे तब तक रखनी है कि तब तक वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि ओवरडोज नहीं करना है, एक ही टैबलेट इनफ है, और वो भी दो टैबलेट्स के बीच में 24 आवर्स का गैप होना ज़रूरी है, कि आप ये टैबलेट ले ली आपने और ये टैबलेट ली थी आपने, 1 बजे टैबलेट लेना आपने स्टार्ट किया है, तो 1 बजे समझो कि ये टैबलेट आपने लिया है 1 PM को, तो दूसरा जो टैबलेट है ये होगा आपका Day 1 का शेड्यूल, कि Day 1 को आपने 1 बजे ये टैबलेट ली थी, तो दूसरे दिन एग्जैक्ट आफ्टर 24 आवर्स, दो टैबलेट्स के बीच में खासकर 24 आवर्स का गैप रखिए, और दूसरा टैबलेट सेम दूसरे दिन जो है वो आप लीजिए 1 PM को ही Day 2 को। तो उस तरह से क्या होगा कि आपको ये मेडिकेशंस के प्रॉपर इफ़ेक्ट मिलेगी और साइड इफ़ेक्ट्स से जो आप बच पाओगे। तो ये खास ज़रूरी है कि डेली एक ही टैबलेट यूज़ करनी है। अब उसके प्राइस हम जाने तो लेटेस्ट प्राइस हम देखें कि आज ही जो हमने चेक किया था 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग टू, जिस दिन ये लेक्चर पब्लिश हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो प्राइस है वो है ₹43.4, और ये प्राइस रहेगी टोटल 10 टैबलेट्स की। कि यहाँ पे जो लिखा है कि प्राइस वाला जो यहाँ पे टैग है वहाँ पे अभी लेटेस्ट प्राइस है ₹43.4, और आपको किसी भी फार्मेसी स्टोर पर से ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इवन आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये OTC के कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड हो जाता है ओवर द काउंटर। यहाँ पे देखो कोई RX ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि आपको प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं रहती, बिना प्रिस्क्रिप्शन आप इसको परचेस कर सकते हैं, बट जब भी बिना प्रिस्क्रिप्शंस कोई भी मेडिकेशंस लेते हैं तो ज़रूरी होता है कि उसके डोज के बारे में जान लेना, कि कितने डोज में आप यूज़ करनी है, तो कोई ओवरडोज ना हो। और समझे कि आप उसको ऑनलाइन परचेस करते तो उसकी प्राइस रहती है अराउंड 35 से 40 की, जो ऑनलाइन सेलिंग में आपको कई बार डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, कूपन कोड्स वगैरह होते हैं, तो वो यूज़ करके आपको ये प्राइस रेंज में भी ये टैबलेट्स मिल जाते हैं। अब आता है मेन पॉइंट दूसरा, कि वो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, कि कई बार लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, ओवरडोज में यूज़ करते हैं, कि एक ही टैबलेट खानी है पर समझो कि 2 या 3 टैबलेट या फिर 4-4 टैबलेट आप एक ही दिन में खा लो, तो उससे साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है आपको सर दर्द जैसा फील हो सकता है, नौजिया एंड वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, कुछ लोगों को स्टमक अपसेट जैसा हो जाता है, इनडाइजेशन जैसा प्रॉब्लम और डायरिया जैसा भी फील होता है उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, लॉस ऑफ एपेटाइट कई बार एक्सेसिव लेने से, कि प्रॉपर रेगुलर डोज में लेने से तो ये कंडीशन ट्रीट करेगा, बट आप ऐसा सोचें कि मैं बहुत सारे ये टैबलेट्स खा लूँ तो मेरी जो डेफिशिएंसी है वो जल्दी से पूरी हो जाएगी,
तो ऐसा नहीं है कि जो डेली जितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की उतना ही लेना होता है। तो एक्सेसिव लेने से ये साइड इफेक्ट होती है कि आपको खाना खाने का मन नहीं होगा, स्किन के ऊपर रैसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथों साथ हॉट फ्लशेस जैसे आपको फील होगा, कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपको अचानक से आपके शरीर के अंदर तेज गर्मी जैसा महसूस होना, कि हॉट फ्लशेस, कि आप बैठे हो, चलो एसी के अंदर बैठे हो, फैन के नीचे बैठे हो, फिर भी अचानक से आपको काफ़ी गर्मी जैसा फील होगा, और वो थोड़े टाइम के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आपको गर्मी लगेगी, सडनली अचानक से आपको तेज़ गर्मी लगेगी, तो ऐसे साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं इसके ओवरडोज के कारण। अब जान लेते हैं उसके वार्निंग्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन इफ, कि ये मेडिकेशंस को लेना बंद कर दे अगर, पहला कंडीशन कि आपको एलर्जी है, कि इसका जो इंग्रेडिएंट है मैकाबोलामाइन, कि जिसको हम कहते हैं विटामिन B12, कि B12 का जो सिंथेटिक फॉर्म होता है उसकी समझो कि आपको एलर्जी है, और वो एलर्जी इस तरह से हो जाती है कि स्किन के ऊपर तुरंत रैसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो रैसेस सबसे पहले हाथ पर आते हैं, फिर आपके स्टमक के रीजन में, लेग्स के रीजन में, और फिर वो आपके चीक्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत ये मेडिकेशंस को लेना बंद कर दे, स्टॉप कर दे। दूसरी कंडीशन, ये टैबलेट लेने के बाद आपको वीजिंग जैसा होता है या फिर चेस्ट के अंदर टाइटनेस जैसा फील होता है, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील हो, वीजिंग जैसा फील हो, तो तुरंत बंद कर दो। हाई फीवर जैसा हो जाए, बॉडी के ऊपर इचिंग हो रही है काफ़ी, कॉफिंग इंक्रीज हो चुकी है, तो भी लेना बंद कर दे। रैसेस डेवलप हो रहे हैं स्किन के ऊपर, वेरी लूज स्टूल, मतलब कि ये टैबलेट खाने के बाद आपको सडनली बहुत ही हैवी डायरिया हो रहे हैं, कि काफ़ी आपका जो स्टूल है वो लॉस हो रहा है, और जिसको लूज मोशन हम कहते हैं, डायरिया हो कहते हैं, तो वो कंडीशन फील हो तो तुरंत उसको लेना बंद कर दे, और आपके फार्मासिस्ट या फिर आपके जो डॉक्टर है उनको तुरंत कांटेक्ट करें, और दूसरा सेफ अल्टरनेटिव मेडिसिंस ले सकते कि जो आपको सूटेबल हो। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होता है कि ये सभी को ये प्रॉब्लम करे ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को कि जिनको इसकी एलर्जी होती है ये इंग्रेडिएंट की, उनको ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस आप फील करते हैं तो तुरंत ये मेडिकेशंस को लेना जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। अब आगे जानते हैं कि प्रेगनेंसी में उसको यूज़ करें कि ना करें। तो एम्बिसन एसएल टैबलेट्स की हम प्रेगनेंसी कैटेगरी जाने तो प्रेगनेंसी कैटेगरी एक के अंदर है, मतलब कि ये पूर्णतः जो हम कहें तो सेफ कही जाएगी, कि कैटेगरी ए के जितने भी मेडिकेशंस होते हैं वो सेफ है। तो सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नो एनी एविडेंस ऑफ हार्म और रिस्क, कि जो फीटस डेवलप होता है उसके ऊपर कोई भी ऐसे हार्मफुल इफेक्ट या फिर रिस्क जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। तो जो स्टडीज़ हम देखें, तो जो प्रॉपर वेल कंट्रोल ह्यूमन स्टडीज़ होती है, कि जो ह्यूमन्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा रिस्क जो है वो देखा नहीं गया, कि नो फाउंड एनी रिस्क टू द फीटस इन द फर्स्ट ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। के प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमिस्टर होता है, कि तीन ट्राइमिस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमिस्टर मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद जो सेकंड ट्राइमिस्टर मतलब कि 3 to 6 मंथ का जो पीरियड होता है, कि 4 से 6 मंथ का, और तीसरा हम देखें तो 7, 8 और 9 मंथ वाला जो पीरियड। तो सभी ट्राइमिस्टर्स के अंदर ये मेडिकेशंस को सेफ पाई गई है, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान उसका। तो प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकते, कि जिसको समझे कि B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है, एनेमिक है पर्सन और प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो वो पेशेंट्स भी ये एम्बिसन एसएल जो टैबलेट है वो यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, कंप्लीटली सेफ है। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड जो कोर्स है वो आप ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे, फार्मारॉक्स का ऐप, आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर पाओगे, एप्पल आईफोन यूज़र है तो उसके ऊपर भी डाउनलोड कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शंस में हमने आपको दे दिए है, कि हमारे PDF, PPTs, लेक्चर के वीडियोस वगैरह सभी आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये ऐप ऊपर ये कोर्स के अंदर मिल जाएगी, कि जिसका नाम है डिसीज एंड मेडिसिंस। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे,
व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी ये है कि जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करिए फार्मा रॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।